कभी आपने सिंपली कोई वीडियो बनाया है यानी कि कोई पेंटिंग बनाया है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंटिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को प्लास्टिक शीट लेना होगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ बनाने का पेंटिंग। मैं सिंपली अपने ट्राइपॉड में मोबाइल लगा लेता हूँ। एक प्लास्टिक शीट पे आप लोग सिंपली पेपर पे एक ड्राइंग बनाइए। पहले पेपर पे हमें एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने सिंपली एक फेस बनाया है और मैं सिंपली इस आंसर शीट को रख के फिर से मैं सिंपली इसके ऊपर जो है वो चीज दोहरा दूंगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो तो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। और ये पूरी नकल हमारी कॉपी की हो गई है। चलिए अभी मैं इस वाले को लिया और दूसरे वाले को भी लिया और यहाँ पे इस तरीके से फिर बनाया। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस आंसर फील्ड पे पूरी की पूरी फेस ड्रॉ हो गई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे इस पे और एक और सारे पेज हैं जैसे कि आप लोग दिखा देता हूँ। ये एक पेज अभी खाली है उसमें मैं ड्राइंग करूँगा। उसके बाद हमें सिंपली इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। वही करने के बाद ये जिसकी नकल आई है वो हमें सिंपली दूसरी कॉपी में ले लेंगे अच्छी तरह से। इसकी नकल थोड़ी अलग वही है होगी। सेम काम आप लोग किसी चित्र पर भी बना सकते हो। आप लोग के पास नकल मारने के कोई कार्बन वगैरह नहीं है तो आप लोग सिंपली इस प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करके कोई फोटो वगैरह है तो आप लोग सिंपली वहाँ पे उस पर बुला के इस प्लास्टिक शीट से आप लोग सिंपली आराम से ड्राइंग बना सकते हो। उसके बाद पूरी नकल अच्छी से हुई है। उसके बाद मैं सिंपली इसके दो हाथ अपने हिसाब से बना लेता हूँ। ये पूरी ड्राइंग हमारी तैयार है। इस तरीके से ड्राइंग आप लोग भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।